नमस्कार, रानी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दशहरा आने वाला है तो दशहरे में तो मिठाई बनती ही है। तो आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से शक्कर पारे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है मिठाई। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिया है 300 ग्राम गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल मोइन के लिए। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको डाल देंगे इसमें ताकि हमारे जो शक्कर पारे हैं वो थोड़ा खस्ता बने, तभी अच्छे लगते हैं। अगर रोटी की तरह बन जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मोयन को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने मोयन अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये इस तरह से करने से बन रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका नरम डो तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आटा लगा लिया है। इतना आटा लगाने में हमको आधा गिलास पानी हमने यूज किया है। और हमने जैसे हम बाटी का डो लगाते हैं उसी तरह हमने सख्त आटा इसका तैयार किया है। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों, 5 मिनट हो गया है। आटा हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आटा अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसका लोई तोड़ लेते हैं। तो हम इसमें 3 भाग करेंगे इस तरह से, और इसकी लोई तैयार करेंगे। देखिए, मैं 3 लोई बना ली है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो हमें परथन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह से बेल लेंगे इसको। बहुत आसानी से हम इसको बेल लेंगे। देखिए, इस तरह से बेलना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है, ना ज़्यादा मोटा करना है। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है हमको। देखिए कितना अच्छे से बेला जा रहा है, इसको बेल पा रहे हैं। शक्कर बना पारे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने इसको बेल लिया है। देखिए, मैंने इतना मोटा रखा है। अब इसको हम काट लेंगे। तो इसके आगे का जो हिस्सा है हम इसको निकाल देंगे इस तरह से, ताकि एक बराबर हो जाए। देखिए, इस तरह से काट लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे इसको, थोड़ा लंबा ही रखेंगे। देखिए, मैंने काट लिया है इसको। आप जिस भी शेप में काटना चाहें उस तरह काट सकते हैं। तो मैं इसी तरह से सारे शक्कर पारे बना ले रही हूँ। देखिए, गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। तेल हमारा गर्म हो गया है शक्कर पारे तलने के लिए, और हमारे शक्कर पारे भी बिल्कुल तैयार हैं बनके। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं एक शक्कर पारे डाल के, तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं। तो देखिए, तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। शक्कर पारे ऊपर तैर के आ रहे हैं, तो मैं तल लेती हूँ। अब सारे शक्कर पारे मैं डाल दे रही हूँ इसमें। जितना कढ़ाई में एक साथ हटे उतना डाल देंगे। गैस को मैंने मीडियम किया है ताकि ये जले ना। देखिए, अपने से ऊपर तैर के आ रहा है। देखिए, हमारे शक्कर पारे बिल्कुल तैर के ऊपर आ रहे हैं। इसको इस तरह से दूसरी तरफ से पलट दे रही हूँ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए, दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमें इसे जलाना नहीं है तो हम इसको निकाल ले रही हूँ।
दोस्तों देखिए मैंने सारे शक्करपारे तल लिए हैं और देखिए कितना क्रिस्प बना है। जब ये क्रिस्प रहेगा तभी हमारे शक्करपारे बहुत ही खस्ता बनेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ, देखिए देखिए पूरा अंदर से क्रिस्प है। अब देखिए इसकी आवाज़ सुनिए। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। दोस्तों मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और मैंने 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया था, तो 300 ग्राम मैं इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पहले हम एक कटोरी इसमें पानी डाल देंगे चाशनी के लिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी और गैस को ऑन कर दे रही हूँ। देखिए हमारी चाशनी जो है उबल रही है। तो हम हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो हम एक तार की चाशनी नहीं बनाएंगे, हम चिपचिपा चाशनी बनाएंगे। ना एक तार की बनाएंगे ना दो तार की बनाएंगे, हमारा चाशनी है चिपचिपा होना चाहिए। तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए चाशनी हम चेक करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप लिया है और देखिए इस तरह से चाशनी हमारी एकदम चिपक जा रही है। इसमें एक तो दो तार नहीं देखना है, चिपकनी चाहिए। देखिए चिपक रही है पूरा, देखिए आपको दिखा रही हूँ। देखिए पूरा चिपचिपा हो गया है। तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। तो दोस्तों जो मैंने शक्करपारे तैयार किए थे हम इसी चाशनी में डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा शक्करपारे बना रहे हों तो जिस बर्तन में आप शक्करपारे रखे हों उसी में आप चाशनी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं बता रही हूँ इस तरह से। तो आपका शक्करपारे पर मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ। और गैस मैंने बंद कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से इसमें चाशनी को कोट करेंगे ताकि चाशनी हमारे अच्छे से शक्करपारे में मिल जाए। देखिए इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसा बन के तैयार होगा हमारे शक्करपारे और बहुत ही कम समय में। जितना ठंडा होगा उतना ही चीनी हमारी इकट्ठी हो जाएगी, अभी गर्म है। देखिए दोस्तों हमारी चीनी जो है देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह बना है और बिल्कुल भी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। अगर इतना ही चीनी आप डालेंगे तो आपके भी शक्करपारे जो है बहुत बने। जितना आटा लें उतना ही चीनी का इस्तेमाल करें तो आपके भी शक्करपारे एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो देखिए ये मेरे शक्करपारे बन गए हैं तो मैं इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ। देखिए दोस्तों शक्करपारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। तो आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।